नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश टुडेज हेडलाइंस में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। अपनी इस खास पेशकश में हम उन तमाम खबरों के बारे में आज बात करेंगे जिन्होंने आज के ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां बटोरी है। और आज टुडेज हेडलाइन में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दो खास पैनल मौजूद हैं और आपको बता दें कि रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है रमेश शर्मा जी, और इसके साथ ही शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में रमेश शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से आज की जो सुर्खियां हैं अखबारों की अगर बात की जाए तो कोविड 19 की है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो कोरोना के आंकड़ों में ऐसे में खबर ये आई है कि कोविड 19 भारत में कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और नए साल में एक वैक्सीन से ज्यादा की शुरुआत हो जाएगी, तो क्या कुछ लगता है? क्योंकि इस तरह की खबरें तो पहले भी तमाम तरह की कई बार आ चुकी हैं और इस बार ये खबर क्या खबर बनकर रह जाएगी? निश्चित रूप से ये खबर बहुत सही है। और ऋतु जी, आपकी खबर पर चर्चा करने से पहले मैं एक मिनट आपकी अनुमति से ये समय लेना चाहता हूँ कि आज का दिन तीन चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व मानक दिवस है। 1946 में दुनिया के 25 देशों ने मिलकर के ये तय किया था कि किस प्रकार उत्पादन की गुणवत्ता बढ़े, और उसके बाद 1970 के बाद ये दिन बराबर मनाया जाता है, जो हमको ये संदेश देता है कि हमारे उपभोक्ता सस्ती चीजों के चक्कर में ना पड़े और गुणवत्ता देख करके खरीदें। ये आज के दिन का एक संदेश है। दूसरा, आज लाला हरदयाल जी जो गदर पार्टी के संस्थापक थे, उनका जन्मदिन है। 1884 में दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। और तीसरा जो और बहुत महत्वपूर्ण आज की तिथि है, अरुण क्षेत्रपाल का जन्मदिन है। अरुण क्षेत्रपाल वो नौजवान थे जो सेकंड लेफ्टिनेंट थे, और 1971 के युद्ध में उन्होंने दुश्मन के टैंक तोड़े और 21 साल की आयु में वो शहीद हुए और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। अब खबर अगर आज की हम करें, निश्चित रूप से ये खबर बहुत अच्छी खबर आपने चर्चा की, कोविड 19 की खबर। हमारे यहाँ आंकड़ा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ आबादी का घनत्व का अधिक होना और आबादी की संख्या को अधिक होना, लेकिन हमारी की जीवन शैली ऐसी है कि हमारी इम्यूनिटी आमतौर पर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अच्छी है। जो लोग एसी में रहते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, कोविड ने उनको ज्यादा तंग किया, और जो लोग रफ टफ जिंदगी जीते हैं उनको कम किया। फिर हमारे यहाँ जागृति भी आई। मैं समझता हूँ इस जागृति की तरफ पूरे देशवासियों को ध्यान रखना होगा। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उनके मुकाबले के लिए यदि हम सावधानियां बरतेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे। इसके अलावा ऋतु जी, आज के अखबारों में जो खास बात है, लगभग हर अखबार ने दो तीन खबरों को अपना फ्रंट पेज लिया है। एक तो ये जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में राज्यपाल का और मुख्यमंत्री के बीच में जो विवाद हुआ है, उन्होंने कहा कि आपने क्या सॉफ्ट हो गए हैं, सेकुलर हो गए हैं, ये सारी, ये लगभग हर अखबार ने इसको हेडलाइन में लिया है। और आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है, विरोधी विचार के लोग तो रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में विवाद हो। ये खबर लगभग सबने हेडलाइन में ली है। दूसरी, मध्य प्रदेश में जिन नेताओं ने उल्लंघन किया है आचार संहिता का, और खासतौर से कोविड 19 की उस आचार संहिता का, भीड़ के साथ चले गए, मास्क नहीं लगा हुआ, तो कमलनाथ जी और नरेंद्र तोमर जी जैसे दो बड़े लोगों पर भी इस पर उन्होंने मौके तौर पर FIR दर्ज करने का तय हुआ। फिर आरोप प्रत्यारोपों को लेकर के भी वो लगभग हर अखबार में ये बात आई है, और लगभग हर अखबार ने पहले पेज पर एक खबर ली है, क्योंकि कल भी बातचीत थी कमांडर स्तर की, परसों भी बातचीत थी कमांडर स्तर की। बातचीत में चीन ने कहा कि हम भी पीछे हटेंगे, आप भी पीछे हटो, लेकिन उसका एक बयान आया है कि लद्दाख और अरुणाचल जो है वो हमारा इलाका है, तो बातचीत में वो अलग करता है, बयान अलग देता है। ये तनाव की खबर भी ज्यादातर अखबारों में छपी हुई है। बिल्कुल शिव अनुराग पटेरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक बार आपकी नजरों से आज अखबार की सुर्खियां क्या कुछ कहती है? देखिए ऋतु, मध्य प्रदेश के अखबारों की स्थितियां बहुत साफ है। मध्य प्रदेश के अखबारों की जो हेडलाइंस हैं, टुडे हेडलाइंस हैं, वो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर हैं। और सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि हाईकोर्ट ने ग्वालियर का निर्देश जारी किया है। इसके पहले भी लगभग 10 दिन पहले भी एक निर्देश जारी किया था कि अगर उल्लंघन होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP इसके लिए जवाबदेह होंगे। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग जैसे कहते हैं,
आरोप प्रत्यारोप बहुत तेज हो गए हैं। और जब पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगाए गए और उनको गरीब बताया गया, तो उसके बाद में कल से बड़ा कैंपेन चालू हो गया है। और मैं भी शिवराज जिस तरह से, मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह तर्ज पे, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो बहुत तेजी के साथ छाया हुआ है। और इसके अलावा अगर एक बहुत इनर पेजेस पे कुछ खबरें हैं, एक बहुत बड़ी खबर है कि शहडोल का अवैधानिक रूप से कबाड़ इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा हब हो गया है। वहां के कबाड़ी और एडीजी के बीच की बातचीत का वीडियो ऑडियो आया था और वीडियो की बात धमकी दी गई थी। इसके बाद में तो सक्रिय हुई है। और इसके अलावा पन्ना में जो हीरे का भंडार है उसके आकलन के बारे में एक बड़ी खबर है। तो कुछ सॉफ्ट न्यूज है, कुछ हार्ड न्यूज है। और इसी बीच में दतिया कलेक्टर को चुनाव आयोग ने नाराजगी के चलते हुए हटा दिया है। बीएसपी को पिछले दिन हटाया गया था। चुनाव आयोग लगातार सख्त हो रहा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वो लगातार इस तरह की कार्रवाइयां करेगा। जी रमेश शर्मा जी, जिस तरह से अगर आप राजनीतिक खबरों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफी अखबारों की सुर्खियां तो फिलहाल यही है कि कल बीजेपी ने अपने कार्यालय से 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 रथ रवाना किए थे, जिसमें लगभग सभी के चेहरे थे, लेकिन सिंधिया वहां से गायब हुए, जो कि सबसे ज्यादा अभी अखबारों की सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है। आपकी विशेष टिप्पणी। हाँ, निश्चित रूप से ये बात सही है, क्योंकि चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज के बीच में सेंट्रलाइज हो गया है। लिहाजा कांग्रेस से दिग्विजय सिंह का फोटो ज्यादातर अब गायब दिख रहा है और भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो अब गायब दिख रहा है। लेकिन चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग का चुनाव है तो मैं समझता हूं कि ज्योतिरादित्य जी का भी फोटो होता तो उसमें और ठीक रहता, विपक्ष को कहने का उसमें मौका नहीं मिलता। लेकिन हो सकता है उनकी दूसरी रणनीति हो, ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य जी को अलग से वो उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इस बार चुनाव में जो आचार संहिता के उल्लंघन की, एक तो व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो है ही, फिर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें रोज कम से कम 5-50 शिकायतें रोज चुनाव आयोग पहुंच रही हैं। अब कांग्रेस ने एक नई बात की है कि जो 14 मंत्री हैं और जो विधायक नहीं है उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। अब देखते हैं उसमें चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है, ये सारी भी खबरें हैं। इसके अलावा ऋतु जी, मैं दो खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोनों एक चिंताजनक खबर है और एक अच्छी खबर है। एक भास्कर के आखिर पेज में एक खबर छपी है, ये कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं कथोरिया जी, इन्होंने कहा है कि गाय के गोबर से कोई चिप बनाई है जो मोबाइल के रेडिएशन को कम करेगी। और अगर यद्यपि उन्होंने कहा है कि चिप को लेकर के पूरी दुनिया भर इसको परीक्षण कर रहा है, और अगर ये चिप सक्सेस हो गई तो मैं समझता हूं जो चीन से आयात होता है उस पर भी पाबंदी काफी लगेगी। और इसके साथ साथ जो लोगों को कई प्रकार की और बीमारियां घेर लेता है जो रेडिएशन, मोबाइल का रेडिएशन, उससे हमको एक बचत मिलेगी। और दूसरी एक खबर आई है, ये भी लगभग छोटी सी खबर है, बहुत छोटी छपी है, हर अखबार में छपी है, कि आबादी वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बढ़ने लगी है और जो स्वास्थ्य को नुकसान करेगी। और दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि रात के तापमान में 4 डिग्री की जो बढ़ोतरी हो गई है, ये सामान्य से जो 4 डिग्री बढ़ोतरी है ये स्वास्थ्य पर असर करेगी। तो एक तो हमको कोरोना का इस बीच में संकट चल रही है, मौसम बदलने से जो स्वाभाविक बीमारियां होती हैं वो संकट है, और इसके साथ साथ ये जो वायु प्रदूषण आबादी के क्षेत्र में बढ़ना और टेम्परेचर का रात का बढ़ना ये भी स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो लोगों को इसमें बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जो मास्क अगर लगा करके बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल तमाम तरह की जागरूकता फिलहाल तो बरतने की जरूरत है। और जिस तरह से ये सुर्खियां बता रही है तो कहीं ना कहीं ये खुद में आमजन को समझाने के लिए ही काफी हो जाते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, यहाँ बीजेपी का कल से कैंपेन शुरू हो गया कि मैं भी हूँ शिवराज, इस पर अभी किस तरह की स्थिति आप आगे देखते हैं? क्योंकि अभी तक ज्यादातर हमने देखा है कि कांग्रेस जिस भी तरह का पलटवार करती है, बीजेपी वही चीज करके साबित कर देती है, उसको एक सकारात्मक तरीके से लेती है। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन डिफेंसिव कैंपेन था। नाउ भारतीय जनता पार्टी ऑफेंसिव कैंपेन की तरफ बढ़ रही है। स्ट्राइक फर्स्ट इंडियन आर्मी का जो मोटो है, यानी हमला पहले, और अब हमला भाजपा की तरफ से हो रहे हैं। दूसरी तरफ से अपने कैडर को यूनाइट करने के लिए मैं भी शिवराज, जिस तरह से मैं भी नरेंद्र मोदी का पिछली बार कैंपेन चला था भारतीय जनता पार्टी का, उसी की तरह से कैंपेन को आकार दिया गया है। यानी एक तरफ हमला करिए और दूसरी तरफ अपने रैंक एंड फाइल को एक धागे में पिरोइएगा।
तो कुल मिलाकर एक धागे में पिरोने के लिए, एकात्म करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है और भाजपा के कैंपेन का कोई जवाब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द कैंपेन। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर है और कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसका लीडर है। अब भाजपा में तो लीडर भी है और कैडर भी है, तो मुझे लगता है इस बार बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है और चुनाव धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है और कैडर के कारण ही, कैडर को एकात्म करने के लिए, एक धागे में बांधने के लिए मैं भी शिवराज का एक नारा दिया गया है, यानी हर कार्यकर्ता, हर आम आदमी अपने आप को ये महसूस करे कि उस पर जो हमला किया गया है वो शिवराज सिंह चौहान पर नहीं है, वो उनके ऊपर है। और मुझे लगता है इससे कैडर अपने आप एक्टिवेट होता है, जिस तरह बारात निकलती है तो बारातियों के पैर थिरकने लगते हैं, उस तरह कार्यकर्ताओं के पैर थिरकने लगे, मोमेंटम पकड़ लें, क्योंकि सबसे बड़ा भाजपा को डर कांग्रेस से नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं से है। अगर नए नवेले जो कांग्रेस से 25 लोग आए हैं उनका कारण कार्यकर्ता घर बैठ गया तो भाजपा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, इसलिए उनको एक सेंटिमेंटली लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश की गई है। रमेश शर्मा जी, यहाँ एक सुर्खी ये भी है कि मास्क ना लगाने पर 41,000 लोगों पर 52 लाख जुर्माना लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का जब उल्लंघन किया गया तो 4,000 का चालान काटा गया, लेकिन जब नेताओं ने इसका उल्लंघन किया तो सिर्फ 5 नेताओं पर केस दर्ज हुआ, सिर्फ 5 केस दर्ज हुए यहाँ पर। देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही है कि मास्क ना लगाने पर और कोविड की आचार संहिता के उल्लंघन करने पर प्रशासन और पुलिस जितनी समाज में सख्त होती है उतनी नेताओं पर सख्ती से नहीं दिखती। अब आज भले ही उन्होंने 5 नेताओं पर, चूंकि उसमें 2 बड़े नाम है, इसका असर तो पड़ेगा, इसके अलावा जो दोनों उम्मीदवार थे वह उन दोनों पर भी किया है बदनावर में, तो कुल मिलाकर के इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन हम अगर पूरे चुनाव में देखें तो आचार संहिता का भारी उल्लंघन हुआ है और भीड़ में लोग साथ खड़े हैं, ये खड़े हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि कितने लोगों को कोविड उसमें फैल गया। मैं समझता हूं आज की घटना प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए, उसमें नेता और जनता में कोई भेद ना करें, लेकिन जिस तरीके से 2 बड़े नेताओं पर FIR हुई है, मैं समझता हूं राजनेता इससे सबक लेंगे। और फिर केंद्र सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में आज परिवर्तन कर दिया। अभी तक उन्होंने कहा था कि 100 से ऊपर के लोग भी आ सकते हैं बशर्ते कि वो आचार संहिता का पालन करें, आज उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा लोग उपस्थित ना हो, उस गाइडलाइन में उन्होंने चेंज किया है। मैं समझता हूँ इससे परिवर्तन तो आएगा और बीमारी पर इससे रोक लगेगी। श्री अनुराग पटेरे जी, राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो हलचल जिस तरह से लगातार तेज होती हुई जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से दिनेश गुर्जर ने बयान दिया, विवादित बयान दिया था सीएम शिवराज सिंह चौहान पर, उसके बाद से लगातार जो इस तरह से आपने भी जिक्र किया कि विवादित बयानों का दौर शुरू हो गया। यहाँ पर एक सुर्खी ये भी है कि उद्योगपति कमलनाथ ने कन्यादान की राशि छीन ली, जहां जो शिवराज सिंह चौहान ने बोला उसका पलटवार भी कमलनाथ ने किया कि कलेक्टर SP के सामने दंडवत हो रहे हैं और ऐसे सिर्फ कलाकारी कर रहे हैं और यही करना है आपको तो आप मुंबई चले जाएं। देखिए, दरअसल ये जुबानी जंग का एक अगला फेज है, नेक्स्ट फेज है, इलेक्शन कैंपेन में इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, व्यक्तिगत जीवन में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ये के अच्छे रिश्ते हैं, ये सब कोई जानता है, इसलिए इस रिश्तों को लेकर कोई कंफ्यूजन भाजपा और कांग्रेस के कैडर में ना हो, इसलिए दोनों एक दूसरे को लेकर सख्त और तल्ख प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दरअसल राजनीतिक जीवन में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए और ये सबसे बड़ी खूबी होती है, क्योंकि राजनीतिक जो आपका प्रतिद्वंदी है वो आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान को तो मैं अजात शत्रु की तरह मानता हूं, तो उनके तो सबके साथ में बहुत बेहतर रिश्ते हैं, लेकिन इसका नुकसान कहीं ना हो जाए, क्योंकि 2003 में जब उमा भारती सफल हुई थी तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि सबको मालूम था कि उमा भारती किसी के साथ में कोई रिश्ते नहीं है उनके, और वो एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत हैं। तो मुझे लगता है उसी विकल्प के तौर पर अपने आप को बहुत ताकत के साथ प्रस्तुत करने की ये कोशिश है। शिवराज सिंह चौहान की जो अपनी USP है, वो महिलाओं के भाई हैं, बच्चों के मामा हैं और सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला मध्य प्रदेश का चेहरा है। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बार हरी भूमि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सुर्खी है कि इस बार चुनाव में लड़ाई दल की नहीं, न्याय की है, जनता को वोट करने का समान अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। लगातार हम भी देख रहे हैं कि जुबानी जंग जारी है और ऐसे में दावा और वादा दोनों पार्टी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो इस बार चुनाव से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश शर्मा जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है?
फिलहाल रमेश शर्मा जी से तकनीकी खराबी के चलते एक बार संपर्क टूट गया है, फिर से साधने की कोशिश करेंगे। अनुराग पटेल जी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इस बार चुनाव में लड़ाई दल की नहीं न्याय की है, जनता को वोट करने का समान अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि विवादित बयानों का जो दौर है वो भी बदस्तूर जारी है, 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, दावा और वादा दोनों पार्टी कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए कि कांग्रेस किस पर, जनता किस पर भरोसा करे, तो ऐसे में क्या कुछ आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए, जनता जिस पर भरोसा करे न करे, लेकिन एक बात, एक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अभी निर्वाचन आयोग ने 17 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे लगभग 1300 कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जो लोगों को वोट नहीं डालने देते, वो उनकी जो इच्छा होती है उस तरह से मतदान कराते हैं, ऐसे लोगों को राउंड अप करने के लिए पुलिस प्रशासन से कहा गया है और ऐसे असामाजिक तत्वों को घेरने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। दूसरी बात मुद्दों की है, निश्चित तौर पर मुद्दे अपने आप में प्रभावशाली होते हैं और मुद्दों का कि आधार पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन आपने देखा है इस चुनाव में मुद्दे कम है, सेंटिमेंटल इशू ज्यादा है। कोरोना के कारण जो लोग बेरोजगार हो गए उनको कोई बात नहीं करता है, लोगों की स्वास्थ्य में समस्या है उसके बारे में किसी के पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है, लोगों के सामने एक अलग किस्म की सामाजिक असुरक्षा पैदा हुई उसके लिए कोई प्लान नहीं है। सबसे बड़ी बात है अब तुम गरीब मैं अमीर, वो उद्योगपति वो फिल्म अभिनेता, इस तरह की बातें हो रही। मुझे लगता है दोनों पार्टियों के बड़े लोगों को आगे जी। रमेश शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारे? फिलहाल रमेश शर्मा जी के पास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। शिवानुराग पटेल, जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि और आप भी लगातार सुर्खियां बता रहे हैं जो अखबारों की आज प्रमुख सुर्खियां रही, ऐसे में कमलनाथ बनाम शिवराज में तब्दील हो रही उपचुनाव की जंग, फीके पड़े मुद्दे और लगातार प्रचार, जिस तरह से सभा दोनों ही बड़ी पार्टी बीजेपी कांग्रेस में चलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में लगातार हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वास्तव में चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी समस्या है, अपनी दिक्कतें हैं, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं शिलान्यास हो गया था काम नहीं हुआ, कहीं सड़कों की दिक्कत है, कहीं दबंगों की दिक्कत है, मुझे लगता है इन सारी चीजों पर काम होना चाहिए। और सबसे अच्छी स्थिति तो हुई थी कि एक हाइपर लोकल घोषणा पत्र चुनाव के पहले दोनों बड़े दल जारी करते, कांग्रेस ने किया है लेकिन भाजपा ने एक कंप्लीट पूरा घोषणा पत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र के 28 आपको घोषणा पत्र होते, उनके साथ वादे होते हैं, वादों की अथेंटिसिटी होती, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहते ना 13 वादे पर वादा होता गया, राजनीतिक दलों के वादों को लेकर लोग बहुत ही सतंकित रहते हैं, उनको हमेशा डर लगा रहता है कि क्या किया जाए। दरअसल कांग्रेस ने पिछले अपने चुनावी घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे उसमें बड़े बड़े कोई भी वादे पूरे नहीं हुए, चाहे वो अतिथि शिक्षकों का मामला हो, चाहे वो अतिथि विद्वानों का मामला हो, चाहे वो बेरोजगार उनको 4000 रुपए भत्ते का मामला हो, चाहे ऋण मुक्ति हो, वो कहते हमने 50,000 तक की है, क्या 2 लाख वाली नहीं हुई है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दामों में कमी करने का मामला हो। तो मुझे लगता है ताजा तरीन जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उन्हें पूरा नहीं किया, भाजपा पर भी कांग्रेस यही आरोप लगाती है, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र उन पर बंधनकारी और टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने समय में आप पूरा करेंगे, अनंत काल तक आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ एक बार फिर से रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी रमेश शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है? रमेश शर्मा जी, एक खबर ये है कि जो आम जन को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज प्रदेश में 6.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। ऋतु जी, रमेश शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, 6.5 घंटे तक, क्या पूछा? बिजली गुल रहेगी, ये प्रदेश की जनता को जानने के लिए बहुत अहम खबर हो जाती है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ खबरें ऐसी हैं, वाकई जानना चाहिए। ये जो इस समय बिजली का मेंटेनेंस शुरू है, पूरे मध्य प्रदेश में मेंटेनेंस शुरू है, और फिर सरकार ने एक सावधानी ये बरती है, जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वहां सप्लाई थोड़ी तेज रहे, तो बाकी दूसरी जगह पर इसकी कटौती और मेंटेनेंस के लिए ये बिजली की कटौतियां शुरू होंगी, लोगों को ये भी जानना चाहिए। और 2-3 और अच्छी खबरें हैं, मैं समझता हूँ लोगों को अच्छा लगेगा। एक तो केरल से ये खबर आई है कि उनके सारे सरकारी स्कूल डिजिटलाइज हो गए। केरल वो प्रदेश है जहां सबसे पहले 100% साक्षरता की खबर आई थी, एक ये खबर है, मैं समझता हूँ इसको अन्य राज्य सरकारों से भी इसको अच्छी लेना चाहिए। एक खबर भिंड से आई है कि वहां कारतूस बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, ये लगभग हर अखबार में छपी है, नई दुनिया ने तो इसको बहुत डिटेल दिया है कि वो कारतूस के ऊपर अब एक ऐसा कोडिंग करेंगे
कि ये कारतूस अगर किसी भी रिवाल्वर से या बंदूक से चलेगा तो किसको अलर्ट हुआ है ये पता चल जाएगा, यानी गोली किसने चलाई है ये बिल्कुल पता चल जाएगा। एक अच्छी खबर ये आई है। और दो तीन खबर जो है वो बड़ी चौंकाने वाली आई है, एक गुना से आई है और एक जबलपुर से आई है। गुना से एक खबर ये आई है कि एक महिला के घर में कोई घुसा और उसने चाकू के 16 बार मारे और वो व्यक्ति मर गया। वो हालांकि एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए सज्जन थे। उनकी पत्नी ने अभी आरोप लगाया है, ये भी अखबारों में आया है, कि उनको योजना से और धोखे से बुलाया गया। और एक दूसरी खबर जबलपुर से आई है, जबलपुर में एक घर में घुसा और उसने कहा वो चोर थे और वकील साहब ने गोली मार दी। तो कुल मिलाकर के आमतौर पर महिलाएं 16 चाकू के घाव मारे, ये थोड़ा सा एक इसमें चौंकाने वाली बात गुना से है, और वकील भी गोली मार दे, ये जबलपुर से अच्छी खबर आई है। बाकी महिलाओं पर अत्याचार की आज खबरों का बहुत इफरात है। एक खबर गोंडा से आई है कि तीन लड़कियों को नाबालिग थी उन पर ऐसे डाला जिसमें एक ज्यादा हो गई। फिर दूसरा जो लड़कियों की तस्करी का रिकॉर्ड मंडला से था, तो उसमें एक लड़की नाबालिग थी जो हाथरस में मिल गई है और दूसरी लड़की की तलाश के लिए टीम दिल्ली में सक्रिय है। तो क्राइम की दो तीन ये अच्छी खबरें हैं। एक बैतूल से बड़ी रोचक खबर आई है, फेसबुक पर दोस्ती हुई और करीब 750 किलोमीटर से वो महिला चल करके आई और वो शादीशुदा निकली। अक्सर ऐसी बातें आती हैं फेसबुक पर दोस्ती के बाद अखबारों में खबर बनती है। मैं समझता हूँ लड़कों को भी लड़कियों को भी फेसबुक की दोस्ती पर ऋतु जी थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए और इसमें जागृति होना चाहिए। एक बड़ी रोचक खबर है कि 750 किलोमीटर से चल के आई शादीशुदा निकली। शिव अनुराग पटेरी जी, जिस तरह से रमेश शर्मा जी ने बताया कि भिंड से एक खबर सामने आई कि कारतूस कोटिंग होगी, जो गोली चलाएगा उसके बारे में पता चल जाएगा, क्या कुछ लगता है कि आगे किस तरह से इसकी प्रक्रिया हो सकती है या किस तरह से कारगर साबित होगा, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। देखिए, इस मुल्क में तमाम तरह की योजनाएं चलती रहती हैं, तमाम तरह के सारी बातें होती रहती हैं, जब वो इफेक्टिव हो जाए तो सब मुझे लगता है चीजें आप कर लेंगी। कारतूस बेचा जाएगा, कारतूस किसने किसको दिया गया था कि यहाँ तक आप आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन कारतूस गोली किसने चलाई इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, अभी भी ट्रैकिंग के तमाम तरीके हैं। लेकिन इसके बाद दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ योजनाओं पर योजनाएं लगातार बनती चली जाती हैं। अगर वास्तव में ट्रैक करने का सिस्टम एक बार डेवलप हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात है कि इस देश का जो सिस्टम है लोगों के कि नए नए योजनाएं लाने के तौर तरीकों के बारे में मुझे हमेशा एक भय बना रहता है कि हर आदमी एक नई योजना लेके आता है लेकिन वो योजनाएं लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे जिसमें कानून बहुत बनते रहते हैं, सबसे बड़ी बात है कम योजनाएं बनाइए, कम कानून बनाइए और उनका पूरा दृढ़ता के साथ पालन करिए। अगर ये लागू किया गया है तो इसे बिल्कुल चेक करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बड़ी बड़ी बातें हम करने लगते हैं और अंत में कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, हेडलाइंस तो हिट हो जाती हैं लेकिन जमीन पर क्या होता है ये भगवान ही जानता है। जी बिल्कुल। आज जिस तरह से लगातार हम क्राइम की खबर की बातें कर रहे हैं रमेश शर्मा जी, ऐसे में एक खबर ये भी है कि अशोकनगर में जो कांग्रेस नेता है ब्रजभूषण, उनका कत्ल कर दिया गया और महिला ने आरोप लगाया है कि लगातार उसे 16 साल की उम्र से प्रताड़ित किया जा रहा था, शादी के बाद भी उसे ब्लैकमेल किया गया जिसके चलते वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गई और लास्ट में जाके अंत में जाके उसने 25 बार किए हैं चाकू से। रमेश शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक हमारी? हेलो, रमेश शर्मा जी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल रमेश शर्मा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शिव अनुराग पटेरिया जी, कांग्रेस नेता अशोकनगर से ब्रजभूषण जी का कत्ल कर दिया गया और महिला ने लगातार आरोप लगाया कि 16 साल की उम्र से, जिस तरह से अखबार में छपी है खबर की 16 साल की उम्र से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, शादी के बाद भी ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने 25 वार कर दिए, क्या कुछ कहेंगे आप? अगर उस महिला को प्रताड़ित किया जाए, सामान्य रूप से कोई महिलाएं मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में इस तरह के हमले भी करती हैं, जब एक एक्सट्रीम लेवल आ जाता है तब इस तरह के हमले किए जाते हैं। वो साहब गए क्यों थे? दूसरी बात है कि अगर उस महिला ने हमले किए हैं, उस महिला ने कहा है तो निश्चित तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कहीं इसमें कोई शक और षड्यंत्र नहीं है। लेकिन तब भी मैं आपसे कहूंगा कोई महिला अगर इस तरह का हमला करती है तो निश्चित तौर पर वो तंग आके अंतिम विकल्प के तौर पर सारी चीजों को उपयोग करती है। कई लोगों ने होगा कि कई जी
और कई में फिर वो एक्सट्रीम स्टेप लड़कियां इस तरह को उठाया करती हैं, इस तरह के किस्से अक्सर आते रहते हैं। मुझे लगता है लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि एक महिला है, उसका अपना जीवन है, उसका परिवार है, और सबसे बड़ी बात है अनैतिक संबंधों के लिए आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। वैसे भी अनैतिक संबंध बहुत गलत बात है, और अगर आप दबाव डालते हैं तो इस तरह की हिंसा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जी, एक बार फिर से राजनीतिक अगर खबरों का रुख करें तो यहाँ पर एक खबर फिलहाल तो छूटती हुई नजर आई कि अब बीजेपी और कांग्रेस में जो होड़ मची है वो स्टार प्रचारकों की मची है। वो लगातार बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ एक बड़ा चेहरा स्टार प्रचारक के तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में उछले, तो वहीं प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को स्टार प्रचारक की मांग की जा रही है। देखिए, तीन चार चेहरों की मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी में। सबसे बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरा बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, तीसरा बड़ा नाम है उमा भारती जी, और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की मांग राहुल गांधी से ज्यादा ही बहुत ही सरप्राइजिंग है। दरअसल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनमें कई बार उनकी दादी का अक्स दिखा करता है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहूं कि उमा भारती इन दोनों गंगा की लहरों के साथ साथ चल रही हैं, इसके बावजूद भी सारे क्षेत्रों में उनकी मांग लगातार बनी हुई है। पिछले कई सालों से, मैं कहा जाए 10 सालों से, वो हाशिए पर खड़ी हैं, मंत्री भी बन गई तो उनको हाशिए पर रखा गया, इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के दिलों में बसती हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनका व्यापक उपयोग इस चुनाव में जरूर करेगी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए होते हैं और ऐसे प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री के आने की संभावनाएं बहुत न्यूनतम है। योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं, राजनाथ सिंह आ सकते हैं, उमा भारती आ सकते हैं। बिल्कुल, रमेश शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी, जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरुआत में ही चर्चा की कि आज विश्व मानक दिवस है, और ऐसे में वर्ष 1946 में दुनिया के 25 देशों ने उत्पादन, तो क्या कुछ लगता है कि आज के दौर में कितना महत्वपूर्ण ये दिवस हो जाता है? निश्चित रूप से वाकई ये आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। जिस तरीके से लोग चीजें मंगाते हैं और पैकेट में जो ऑनलाइन खरीदी में पत्थर निकल रहे हैं या डुप्लीकेट चीजें मिल रही हैं, तो ये दिवस लोगों को ये सतर्क करता है, जागृति करता है, और ये इसमें एक लोगों को ताकि वो अच्छी सामान ही खरीदे और अच्छी खबर करें। इसके अलावा दो खबरों की चर्चा और ऋतु जी मैं करना चाहूंगा। एक पटना हाई कोर्ट ने कल एक टिप्पणी की है, एक उसमें वहां एक घटना क्या हुई कि एक महिला थी, वो विदेशी थी और उसने लोकल आदमी से शादी की और फिर वो कहीं स्मगलिंग से जुड़ गई। तो उन्होंने कहा कि केवल शादी करना ही नागरिकता का आधार नहीं होता, तो कई बार हमारे यहाँ खासतौर से बांग्लादेश से और बर्मा से बहुत सारे लोग शादियों के बाद से जो नागरिक बन गए हैं और मतदाता बन गए हैं। तो पटना हाईकोर्ट का ये फैसला जिस मामले में मील का पत्थर साबित होगा, हालांकि इसकी अपीलें होंगी अभी सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, मुझे चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, और आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े उसका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अपनी इस खास पेशकश में हमने उन तमाम खबरों का जिक्र किया और आपको रूबरू करवाया जो बड़ी खबरें आज अखबारों की सुर्खियों में रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।